लिखा उसने अपने भक्त जन को अलग करके रखा है, अगर तुम अलग नहीं होते तो तुम अभिषिक्त नहीं होगे, तुम्हें बाकियों से अलग जीवन जीना है, अगर बाकी भी तेरे जैसे सेम है तो तुम अभिषिक्त नहीं हो। यीशु लगताई में गए फास्टिंग प्रेयर में 40 दिन, यूहन्ना को प्रभु ने जंगल में लगताई में रखा, यीशु मसीह पहाड़ों पर लगताई में जाते थे, मूसा को प्रभु ने पहाड़ पर दुनिया पे सबसे अलग ताई में बुलाया ताकि वो कुछ शेयर कर पाए। यही होलीनेस है, यही फास्टिंग प्रेयर है जिसमें आप अलग ताई में जाते हो, खाने से दूर होते हो, लोगों से दूर होते हो, टाट ओढ़ लेते हो, बंद कमरे में चले जाते हो, संसार से अलग ताई का जीवन जीने की कोशिश करते हो, और उसमें वो तुझे तैयार कर पाता है नेक्स्ट लेवल के लिए। हालेलुया, यीशु ने सेवा शुरू की, नेक्स्ट लेवल आया। क्या किया उससे पहले? 40 उपवास। मेरी सेवा शुरू हुई, एक साल हमने एक कमरे में प्रार्थना की, काम से आके चल कमरे में प्रार्थना, काम से आके चल कमरे में प्रार्थना, फास्टिंग प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर। एक साल के बाद आत्मा उतरा पेंतिकोस के दिन समान हमारे रूम में, प्रभु ने कहा जाओ मैं तुम्हारे साथ हूं, लोग चंगे होने शुरू हो गए। हालेलुया, मूसा का प्रभु ने अलग अगले लेवल में खड़ा करने के लिए अलग 40 दिन बुलाया। आपको भी नेक्स्ट लेवल में खड़ा करने के लिए वो 7 वेडनेस वीक में बुला रहा है। कई लोग अभी भी ऑनलाइन है और आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, पर वो तुझे तैयार करना चाहता है। हालेलुया, स्वागत है आपका चौथे हफ्ते में, नए लेवल के चौथे हफ्ते में, 4th वीक में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और जब तुम उस लेवल की ओर बढ़ रहे हो वो बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया, क्योंकि जब ये सीरीज की शुरुआत हुई थी प्रभु ने ये चीज बताई थी कि नेक्स्ट लेवल चाहने से नहीं आता, या ऐसे इच्छा रखने से नहीं आता, नेक्स्ट लेवल अगले लेवल की तैयारी करने से आता है। हालेलुया, आप जब भी कभी अपने आप को अगले लेवल में ब्लेस होता हुआ देखेंगे उससे पहले चिन्ह ये होगा कि आपकी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी उस अगले लेवल के लिए। जब जब भी मरण करके देखो, जब जब भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट लेवल आया उससे पहले आपकी तैयारी हो रही थी। याद करो अपनी सेवकाई का, अपनी अपनी लाइफ का, अपने फाइनेंस का, अपने बिजनेस का, अपनी लाइफ में शांति का, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का। या हो सकता है आज आपके पास कोई कॉलिंग नहीं है, पर अब आप मसीह में दो तीन चार साल से तैयारी बढ़ रहे हैं मसीह में, पर जब आप में नेक्स्ट लेवल था तो आप स्पीड के साथ बढ़ रहे थे, और वो नेक्स्ट लेवल आने से पहले क्या थी? एक तैयारी थी आपकी। हालेलुया, और प्रभु आपको तैयार करता है उस अगले स्तर में लेके जाने के लिए। और उसके लिए पवित्रता ही एक बहुत बड़ा हथियार है आपका, जिसके बिना तुम नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार नहीं हो सकते। अगर लाइफ में होलीनेस नहीं है, अगर नेक्स्ट लेवल आएगा, कई पास्टर सोचते हैं ओ मेरे लिए कोई प्रार्थना कर दे, मुझे कोई मसा कर दे, मुझ पे कोई तेल उंडेल दे, मुझ पे कोई ले हैंड कर दे और मैं एक यूज होना शुरू हो जाऊं। हाँ, अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती है। अगर हम प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इस व्यक्ति के ऊपर, ये नया आया है चर्च में, इस सेवकाई में, मेंटरशिप में आया है, मैं इस पर हाथ रखता हूं, 1 महीना तेरा आत्मा अद्भुत रीति से उपयोग करे, तो वो 1 महीना ही होएगा, देखना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वो वर्ड दिया गया। पर अगर उसकी लाइफ टाइम के लिए उसके ऊपर वर्ड बोलना होता है तो उसके लिए प्रभु उसकी एक तैयारी लेता है, उससे प्रभु एक मूल्य लेता है, उसको प्रभु परखता है, तब उसके पता ओ वाओ सच में अनॉइंटिंग ट्रांसफर की जाती है। अगर एक प्रेयर हुई उसके द्वारा, आज तक 4-5 साल सेवा में नहीं हुआ, पर एक प्रेयर के द्वारा कैसे होना शुरू हो गया? ओके नहीं, मुझे ये चीज़ को समझना है, जैसे एलिया का अभिषेक अलीशा पर था, मूसा यहोशू पर था, पौलुस तिमोथियस पर था, मुझे इस चीज़ को समझना है। सच में प्रभु उदासों भविष्यवक्ताओं के द्वारा अभिषेक देता है, बांटता है, जिस तरह मूसा को कहा अपने में से कुछ अंश लेके अपने साथियों पर बांट दे, तो अब वो आगे बढ़ना शुरू होता है। हालेलुया, इसी तरह आपको जो चीज़ समझनी है, अगर होलीनेस में सबसे पहले आपकी तैयारी होगी, पवित्रता में आपकी तैयारी होगी, और पवित्रता में स्टैंड लेने के लिए आपको चाहिए फास्टिंग प्रेयर। तो उस पवित्रता में खड़े होने के लिए आपको चाहिए फास्टिंग प्रेयर। मैं तब तक अपनी सेवकाई के लेवल में खड़ा नहीं हो पाया जब तक मेरी पवित्रता के द्वारा अगले लेवल के लिए तैयारी नहीं हुई। अगर मैंने होना था खड़ा, मैं 2013 में भी सेवकाई में खड़ा हो सकता था जो मैं 16 में खड़ा हुआ। अगर मैं 2010 में मसीह में आया, अगर मैं 2010 में ही पवित्रता में स्टैंड कर जाता तो मैं 13 में मेरी चर्च शुरू हो सकती थी। ये परमेश्वर के ऊपर नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर होती गई चीजें। आप कहते हैं सब कुछ गॉड टाइम के नीचे है,
सब कुछ गॉड टाइम के नीचे है। उसमें याद रखो बाइबल में कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हमें उसका साथ देना है, जो उसकी बुलाहट हमारे बीच में है उसमें हमें उसका साथ देना है। जब तुम पवित्रता में खड़े होगे तो याद रखो नेक्स्ट लेवल वो देना चाहता है, वो अगला लेवल जो तूने सोचा भी नहीं, लेकिन तुम्हारी सोच और समझ से अधिक वो काम करने की शक्ति रखता है। वो नेक्स्ट लेवल वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो नहीं जो तेरे समझ में होगा, वो तेरी सोच और तेरी समझ से अधिक होगा नेक्स्ट लेवल यीशु के नाम। बस केवल आपको तैयारी करनी है, खड़ने पवित्रता में। जब तुम पवित्रता में खड़े होगे वो तुझसे बातें करना शुरू कर देगा, जो आशीषें तेरी लाइफ में रुकी हैं वो एंटर होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या तुम पवित्रता के लिए सीरियस हो? क्योंकि जब तुम पवित्रता में स्टैंड कर गए उसके लिए तुझे फैसले करने हैं, यूसुफ की तरह लड़ना है, दाऊद की तरह फंसना नहीं है। अब अगला जो हिस्सा, फास्टिंग प्रेयर आपकी मदद करेगी पवित्रता में खड़े होने के लिए। जब तुम उपवास प्रार्थना में जाते हो खुद ब खुद तुम्हारे शारीरिक बंधन टूट जाते हैं। मैं पवित्रता के लिए इतना सीरियस था, मैं कहता था प्रभु अगर मैंने, क्योंकि मैं ऐसे मेरा रिकॉर्ड होता था, मैं 40 दिन खड़ा रह गया पवित्रता में, फिर गिर गया। मुझे होता था अब दोबारा वो चीज़ में नहीं जाना। मैं ऐसे रखता था कि प्रभु अगर मैं पवित्रता में गिरा इस बार मैं 5,000 रुपया फाड़ दूंगा अपना, अपनी पर्सनली अपना मेहनत का। और मैंने सच में बताऊं फाड़ा भी है, मैंने अपने आप को पनिशमेंट दी है जब मैं खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए प्रभु योग्य समझता है। आप कहते कैसे अनॉइंटेड मिनिस्ट्रियां, कैसे बड़ी मिनिस्ट्रियों में नाम आ जाता है किसी सेवकाई का? उसके लिए पे होते, मूल्य होते, सीरियस आपको साबित करना पड़ता है। परमेश्वर आराम से अपने आप को दे दो उसके हाथों में, और फास्टिंग आपकी मदद करती पवित्रता के लिए। फास्टिंग प्रेयर, खुद ब खुद तेरा शरीर सेल्फ डेथ में जाना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद तेरी अभिलाषाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है। और तुम अगला फास्टिंग का पॉइंट, नंबर एक तुम्हारी अभिलाषाएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, तेरे मुंह पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। कि जब तुम फास्टिंग में रहते हो तुम फालतू बोल नहीं पाते, तुम सेल्फ डेथ में रहते हो, तुम्हारा बोलना कंट्रोल में होता है, तुम्हारा सुनना कंट्रोल में होता है। तुम फास्टिंग में होंगे कोई बोलेगा यार वो पास्टर है ना, कुछ नहीं है वो पास्टर है ना, आप बोलेंगे चुप आगे नहीं बोलना, मुझे लगता है तुम कुछ गलत बोलने वाले हो, मैं ऐसी संगति ऐसी बातों को नहीं सुनता। प्रभु के दास दुखने आदर के योग्य, चाहे वो छोटा दास है बड़ा दास है, आज चाहे वो तुझे कमजोर नजर आ रहा है कल वो तेरे सामने सामर्थ्य नजर आ सकता है, तेरी बेइज्जती होगी इसलिए मत बोल उसके बारे में। हालेलुया। तो आपको इन चीजों को में ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि जगत में प्रभु ने मूर्खों को चुना है। किसके लिए वो हंसते हैं लोग पास्टरों के खिलाफ, किसके लिए करते हैं? जो मूर्ख लगते हैं, है ना, पाप में लगते हैं, व्यभिचार में लगते हैं। अरे चुनता है प्रभु उनको, पता नहीं आपको कौन उनमें से खड़ा हो जाएगा कल क्षमा मांग के प्रभु से, और आप फिर देखेंगे बेइज्जती होगी आपकी कि ये बंदा उसके खिलाफ बोलता था। तो आपको सेल्फ कंट्रोल रहता है फास्टिंग में, आपकी जुबान पर, आपके कानों पर, आपके विचारों पर। आप फालतू में चिंता की बातें नहीं सोचते जब आप फास्टिंग में रहते हैं, आप शांति में जीते हैं जब आप फास्टिंग में रहते हैं। एक और चीज़ है आपके अंदर, खुद ब खुद नोट करना, आपके अंदर भरपूरी पैदा होगी। तुम पुलपट पे जाओगे तुझे अंदर से हे आप आएगा, मैं फास्टिंग प्रेयर में हूँ प्रभु काम करेगा। खुद पे खुद आपके अंदर हे आप पैदा आता, मैं 40 फास्टिंग में हूँ प्रभु मेरे द्वारा काम करेगा। इस तरफ एलिया कहता है जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूँ उस परमेश्वर की शपथ मेरे के बिना ना बारिश पड़ेगी ना उस पड़ेगी, क्योंकि उसका जो आत्मिक क्रिया थी उसके अंदर होके बोल रही थी। जब आप आत्मिक क्रिया में नहीं होते आप फ्लो में कम होते, आत्मिक क्रियाएं आपके अंदर फ्लो को पैदा करती है कि हाँ मैं कुछ करके आया हूँ। जब आप चरित्र में चलते हैं, एक दिन दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है ऐसे ऐसे ऐसे, मैं क्या, मैं यीशु के चरित्र में होकर तुझे हुक्म देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था मैं फास्टिंग में भी चल रहा हूँ, प्रेयर में भी चल रहा हूँ, होलीनेस में चल रहा हूँ, मैं कह पाया उसे और दुष्ट आत्मा तभी धड़म कर दी निकल गई। तो ऐसी है होलीनेस और फास्टिंग जो मिलकर काम करते हैं। फास्टिंग के द्वारा ही अगला लेवल आता है। अगर आप फास्टिंग में नहीं जा पा रहे हैं इसका मतलब आपके नेक्स्ट लेवल के लिए वेट पैर है। मैंने 7 डेज बोला है नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी की, पर अगर आप इसमें से कुछ छोड़ेंगे तो उसमें 7 और वीक लग सकते हैं, 2 और वीक लग सकते हैं आने में। तो आपको जब फास्टिंग में रहोगे तो आपके अंदर हयाब आएगा, जैसे प्रभु ने हयाब बांध दृढ़ रहे तेरा मन कच्चा ना हो। अगर आप डर डर तकलीफ में आप संकट में जाएं फास्टिंग रखो
कोई भी आपके ऊपर संकट का समय आए, बैड न्यूज आए, फास्टिंग के साथ उसके लिए प्रेयर करो, आप उस संकट से, बैड न्यूज से बाहर आ जाओगे बहुत जल्दी यीशु नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लोग तुरंत फास्टिंग में जाते थे, तो फास्टिंग प्रेयर आपकी मदद करेगी उस लेवल के लिए जाने के लिए। मैं चाहता हूं अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर पवित्रता ही, पवित्रता ही, पवित्रता की ग्रेस आज मुझे दे परमेश्वर, पवित्रता की ग्रेस आज मुझे दे, दे खुदावन, दे खुदावन, दे खुदावन, पवित्रता की ग्रेस दे खुदावन। ये मेरे बल और मेरी ताकत से, मेरे सोचने से नहीं हो सकता, जब तक तू ग्रेस ना दे, जब तक तू मुझे स्पर्श ना करे, टच ना करे, मुझे अंदर से हिलाए ना मेरी आत्मा को, ये पॉसिबल नहीं है। खुदावन आज मुझे टच कर, मुझे हिला, मुझे भर। बोलो खुदा मैं साबित कर सकूं मैं पवित्रता ही में खड़ा होना चाहता हूं, मैं उपवास रखने के द्वारा आज जब मैं यहां से जाऊं तो फास्टिंग में जा सकूं, मैं साबित कर सकूं मैं पवित्रता में खड़े होने के लिए सीरियस हूं। थैंक यू जीसस। यीशु के नाम में मांगते बोले आमेन। इन 7 days तुम फास्टिंग में जाओगे, कल से तुम्हारा पहला फास्टिंग होगा, तो कल से आप फास्टिंग में जाएंगे 7 दिन की फास्टिंग। चाहे सुबह आप उठ के कुछ भी चाय मत पियो, कुछ भी पियो मत, कुछ भी खाओ मत, आप 12 बजे फास्टिंग खोल सकते हो। रात के 12 से पहले कुछ नहीं खाया, सबसे छोटी फास्टिंग कि आप 12 बजे सीधा आप कुछ खा सकते हो या कुछ पी सकते हो। चॉइस नंबर 2, आप रात को आज 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे, और आप अगर आप चाय के ज़्यादा ही शौकीन हैं, नहीं छोड़ सकते अभी अभी, इस बंधन से लड़ने के लिए आपको आत्मिक ज़्यादा पावर अभी चाहिए, तो आप सुबह अपना चाय का बूस्ट यूज़ कर सकते हो, जिस भी टाइम मर्जी यूज़ कर लो, एक संभाल के रख लेना, तो सीधा आप 2 बजे के बाद खाना खाएंगे, उसके बीच केवल 1 कप छोटे वाला, बड़ा गिलास नहीं जो लस्सी वाला होता है, छोटे वाला 1 कप आप चाय ले सकते हो, उसकी लिमिट आपने बांधनी है, आपका घर का कप कैसा है, कितना बड़ा। तो तीसरी चॉइस आपके पास है कि आप रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं आप खाएंगे, और उसके बाद आप 4 बजे अपने फास्टिंग को ओपन करेंगे, उसके बीच केवल आप पानी लेंगे, जितना मर्जी ले लो ठीक है, पर आपको उसे लिमिट में लेना है, क्योंकि गर्मी है, गर्मियों के फास्टिंग है ये वो मार्च अप्रैल वाले नहीं है, तो आपको पानी साथ में रखना है सिर्फ ज़रूरत के अनुसार, चाहे कौन सी भी फास्टिंग है आपको पानी साथ में रख लेना है। हालेलुया। पानी का 1 घूंट ले सकते हो, 2 ले सकते हो, ज़्यादा लंबी फास्टिंग है उसमें पूरा 1 गिलास ले सकते हो, क्योंकि दिन में ये 1 बोतल किनली की या बिस्लर की कोई भी आपने फिल्टर से भर के रख ली कि पूरी फास्टिंग में ये 1 ही बोतल पीनी है, जब मर्जी पी लूँ। मैं आपको इजी फास्टिंग बताता हूँ ये। हालेलुया। 4 बजे के बाद आप फिर खाना खा सकते हैं, बीच में केवल पानी ले सकते हो, चाय जो है कुछ नहीं, तो ऐसे आप फास्टिंग, और उसके बाद सीधा रात 12 बजे से आप कुछ नहीं खाएंगे, और आप 6 बजे के बाद ही कुछ खाएंगे, उसके बीच वही अपना चाय वाला 1 बूस्ट रख सकते हो, सुबह भी लो चाहे दोपहर भी लो, वो आप यूज़ कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। हालेलुया। आपको लगता है नहीं अभी बूस्ट को संभाल के रखते हैं, अभी तो सर गया, आज सुबह दी प्रेयर दोपहर में यूज कर लेंगे, रख लो कोई बात नहीं। जब तुम कुछ आत्मिक करते हो तो कुछ आत्मिक होता ही है जरूर, ये चीज को याद रखना, जब तुम कुछ आत्मिक करोगे तो कुछ आत्मिक एंटर होगा ही होगा तुम्हारी लाइफ में, सेवकाई में, बिजनेस में, मिनिस्ट्री में, जो भी तेरी लाइफ है हिस्से जुड़े हुए। तो तुम कल से फास्टिंग रखोगे तो ये सबको रखनी है, चाहे तुम 5 मिनट की रख लो ठीक है, तो मैं ऐसी तो थोप सकता हूं आपके ऊपर 5 मिनट की फास्टिंग, तो ये सबको रखनी है, क्योंकि तुम इसका असर देखोगे, जो जितना स्ट्रांग फास्टिंग रखेगा प्रभु से उतना स्ट्रांग करेंगे। हालेलुया। तुम शुरू करो, बस चाहे कितना भी करो, इसी से शुरू करो, और इसको केवल 7 दिन रखना है। हालेलुया। जब तुम इसे रखोगे तुम खुद देखोगे इस 7 days के अंदर तुम्हारी बीमारियां बाहर होंगी, तुम्हारी गिल्टियां रसौलियां बाहर होंगी, तुम्हारी ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल होंगी, तुम प्रेगनेंसी को रिसीव करोगे, तुम्हारे संकट का समय में को तुझे बाहर निकाल लेगा, तुम्हारी चर्च में अनॉइंटिंग बढ़ेगी, तुम्हारी सेवकाई बढ़ेगी, कोई हुई चीजें तेरी लाइफ में आएंगी, बिग मिरेकल तुम्हारी लाइफ में आएंगे,
तुम्हारा फेवरेट टेस्टमनी तुम्हारे जीवन में होगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, गुड न्यूज आएंगे, तुम सुपर डुपर ब्लेस होंगे, बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, वो आ रहा है तुम्हारे लिए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आप ऐसी फास्टिंग रख सकते हो और इस तरह आप फास्टिंग में रह सकते हो। हालेलुया। वो अन्य जाति वाली फास्टिंग नहीं कि सुबह रज के खा लिया तो हूँ तो निकले जाना सारा दिन। आप खाने से नहीं शुरू करेंगे, आप भूखे रहने से रात को शुरू करेंगे। कहा सुबह से रात को तो आप सो जाएंगे 12 के से पहले, और सुबह उठते ही आपको आपकी फाइट शुरू हो जाए। फास्टिंग जब आप रहोगे आपको स्वप्न आत्मिक आने शुरू होंगे। इसमें जब आप इस फास्टिंग में जाएंगे आपको विजन आएंगे यीशु नाम में, क्योंकि जहां दर्शन की बात नहीं होते वहां लोग निराश होते हैं। हो सकता है आपको आपकी सेवका के लिए बहुत बड़ा दर्शन मिल जाए, हो सकता है आपको अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ा दर्शन मिल जाए। तो जब तुम फास्टिंग में रहोगे तुम सपनों और दर्शनों में एंटर हो जाओगे। हालेलुया। तो कई सोचते हैं फास्टिंग खोलनी कैसे, जब आपका टाइम होता है रखनी कैसे, रात को 12 बज गए, ओके प्रभु उन रात दे 12 बज गए मेरी फास्टिंग शुरू होती, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, जितनी लंबी मर्जी प्रार्थना कर दो, बस ये बोलो मेरी मैं अपनी फास्टिंग में शुरू होता हूँ, मैं अपनी फास्टिंग की शुरुआत करता हूँ, इस समर्पण में आता हूँ, साथ में मैं प्रार्थना कर सकूँ, मुझे ग्रेस देना कि ऐसा ना हो केवल मैं भूखे रहने वाला पाठ पूरा कर पाऊँ पर बाइबल न पढ़ पाऊँ, भूखे रहने वाला पाठ पूरा कर पाऊँ पर प्रेयर न कर पाऊँ, भूखे रहने वाला पाठ पूरा कर पाऊँ पर किसी पर दया ना दिखा पाऊँ, किसी पर भलाई ना कर पाऊँ। तो आपको इन सब चीज़ों को साथ में रखना है जो उपवास के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फास्टिंग में और आपका मुंह उतरा और आप घुड़ 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 अपने हस्बैंड से लड़ते रहो, अपने भाई बहन के ऊपर गुस्सा करते रहो, और आप किसी कंगाल को देखकर उस पर चिढ़ते रहो। आपके अंदर दया का हृदय रखना है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 3:14, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी और हर एक घराने का नाम लिखा जाता है, रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम्हें उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ, कि तुम उसकी आत्मा से। तो जब आप फास्टिंग में जाते हैं आत्मा आपसे बात करते हैं, शरीर की बातें आपके आपसे बात करनी बंद कर देती हैं, शैतानी आवाजें भी आपको कम आनी शुरू हो जाती है, अगर आ रही भी तो आपके अंदर उसके लिए एक आत्मिक उत्तर आना शुरू हो जाता है। तुम आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाके बलवंत होते जाओ। तो जब आप फास्टिंग प्रेयर में जाते हैं और पवित्रता में साथ में बढ़ते हैं, फास्टिंग आपकी होलीनेस में बढ़ने में मदद करेगी, तो आपका भीतरी मनुष्यत्व फिर बलवंत होता जाएगा, मतलब आपके अंदर सामर्थ्य पैदा होनी शुरू हो जाएगी। समय मैंने बताया था कि जब एक इंसान अपने आप के लिए मरता है तो सामर्थ उसके अंगों से बहनी शुरू हो जाती है। आप किससे बात करेंगे आपके अंदर से सामर्थ बहेगी। हालेलुया। तो अपने आप के मरने के वक्त जैसे आप फास्टिंग में जाते हो और पवित्रता में जाते हो, इसमें मरा जाता है, पवित्रता में आप अपनी अभिलाषाओं से मरते हैं, आपका अपने आप के लिए मरने के वक्त बहाया गया एक एक आंसू बहुत लोगों के आंसू को पहुंच सकता है, ये सोच के फास्टिंग और पवित्रता में जाना। हालेलुया। आप फास्टिंग में रहते हो, आप पवित्रता में अपने आप के लिए मरते हो, आपको आंसू आते हैं कई वक्त, ओ मर रहा हूं अपने आप के लिए। आपका अपने आप के लिए मरने के बाद बहाया गया एक आंसू चर्च में लोगों पर जब आप हाथ रखेंगे उसके बाद जो रोते होंगे उन बहुतों के आंसू को आप पहुंच सकते हैं यीशु के नाम में। तो क्या आप तैयार हो इसके लिए? जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वह सर्वदा प्रकाशमान किए जाएंगे। जब तुम दूसरों को सिखाते हो, वचन देते हो, प्रार्थना करते हो, तुम खुद तुम प्रकाशमान में बढ़ते हो, प्रकाश में बढ़ते हो। हालेलुया। और जब आप फास्टिंग में जाते हैं, फास्टिंग आपको उबारता है ज्यादा से ज्यादा यूज होने के लिए। तो जो आप बहुत कुछ चाहते हैं नहीं कर पाते, स्टेप नहीं ले पाते, अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं ले पाते, जब आप फास्टिंग में जाते हो आप बहुत सारे डिसीजन ले पाते हो क्योंकि आत्मा आपको उबारता है। तो आत्मा क्यों उबारता है? क्योंकि आत्मा भीतरी मनुष्यत्व में आप बलवंत होते जाते हैं। आत्मा अगर सोई हुई है, सुंगड़ी हुई है, निराश है, शोकित है आपके द्वारा, तो वो आपके अगुवाही नहीं कर पाती। पर जब आप आत्मा बलवंत होता है, अंदरूनी मनुष्य आपका बलवंत होता है, तो आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर काम करती है और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ बलि बांधती समझने की शक्ति पाओ और चौड़ाई लंबाई ऊंचाई गहराई कितनी है और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सारे ज्ञान से परे है कि तुम
परमेश्वर की आत्मिक भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हमें परिपूर्ण होना वो चाहता है कि हम सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होए। जितनी भरपूरी परमेश्वर के अंदर है वो उतनी भरपूरी एक इंसान के अंदर देना चाहता है। पर जो इंसान दुनिया में जितना मरता है वो उतनी भरपूरी उसके अंदर दे पाता है। आप सारी भरपूरी में आ सकता है कोई इंसान। तो फास्टिंग में जाने के बाद, पवित्र टाइम के जाने के, तुम उसके सबसे बड़ी बात, तुम उसके प्रेम को जान पाते हो जो मसीह का प्रेम है। और जब तुम पवित्रता और फास्टिंग में जाते हो तुम रियल लव को जान पाओगे जो पिता का तेरे ऊपर। देखना पवित्रता में जाके तुम होंके भर भर के प्रार्थना करके रोओगे प्रभु के सामने। जब तुम होलीनेस में बढ़ गए, तेरा शरीर होलीनेस में चला गया, क्योंकि तुम टोटली आत्मा की फीलिंग्स को समझने शुरू हो जाओगे। इस तरह प्रभु भीड़ को देखकर तरस खाता, उसके लिए रोता है। प्रभु ने भीड़ को देखकर तरस खाया जिनका कोई रखवाला नहीं था। जिस तरह प्रभु के अंदर वो तरस है, आत्मा के अंदर जो हृदय टोटली वो आपके अंदर आ जाता है जब आप पवित्रता और फास्टिंग में सेल्फ डेथ में जाते हैं। आप उस प्रेम की भरपूरी में तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। अब वो ऐसा सामर्थ्य, जब तुम ऐसा करोगे, अब वो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के द्वारा जो हम में काम करता है। परमेश्वर याद रखना, अपनी सामर्थ्य से दुनिया में काम नहीं करता, उस सामर्थ्य द्वारा काम करता है जो हमारे अंदर उसके द्वारा पैदा हुई है और दूसरों तक बहता है। परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ता है और हमारे द्वारा दूसरों के ऊपर वो चीज उंडेलता है। कहते हैं अब वो ऐसा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के द्वारा जो हम में कार्य करता है, तुम्हारी सोच और समर्थ से अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के द्वारा जो कार्य करता है, जो हम में कार्य करता है। याद रखो, जब आप पवित्रता में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे, उसकी सामर्थ्य आप में आएगी और तुम उस सामर्थ्य द्वारा नेक्स्ट लेवल के लिए एक ऐसा अभिषेक अपने ऊपर देखोगे जो तेरी सोच और समझ से अधिक तेरे लिए काम कर सकता है। यीशु के नाम में।